सो नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं सेलेक्टेड प्लेयर्स के बारे में जो कि एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को। तो अभी जो आई है लिस्ट आई है वो कैंप की लिस्ट आई है, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन है कि कौन कौन प्लेयर्स कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स छाटे जाएंगे जो कि जाएंगे आगे एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे टीम इंडिया को। तो ये लिस्ट जो है मेंस एंड वुमेंस दोनों की आ चुकी है, उस दोनों लिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड साथ में देखेंगे कौन से प्लेयर्स इस लिस्ट में नहीं है जो कि काफ़ी अच्छा खेले थे सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स के अंदर, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में है आज के टाइम पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उससे इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाकी जो भी और भी पीडीएफ्स हैं वो सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड हमारे सामने है ये लिस्ट। यहाँ पर टोटल जो प्लेयर्स हैं वो 40 प्लेयर्स हैं। पहले बात करते हैं कोचिज की, तो कोचिज हैं हमारे सामने आशन कुमार जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड विनर, मिस्टर ई भास्करन जो कि एक्स कोच है इंडियन टीम के मैन एंड वुमेन के रह चुके हैं, और मिस्टर संजीव बालियन जिनको आप अच्छे से जानते हैं, अर्जुन अवार्ड विनर है और साथ में हमारे आईपीएल के अंदर भी कोच हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। तो जो पहली बात करते हैं कोचिंग कैंप कहाँ लगेगा, कोचिंग कैंप लगने वाला है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना, जो कि लगेगा 4 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। ठीक है, अब ये दोनों का लगेगा मेंस एंड मैन का लगेगा यहाँ पर पाटलिपुत्र पटना के अंदर, जो कि बिहार के अंदर है। तो इसके अंदर जो है लिस्ट के अंदर पहले बात करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से 3 प्लेयर्स हैं, राकेश, विजय, दुर्गेश कुमार। राकेश को आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, पीकेएल में आपने बहुत अच्छा गेम देखा होगा। तो ये जो 3 है प्लेयर्स हैं राकेश, विजय एंड दुर्गेश कुमार, विजय को आप जानते हैं। ठीक है, गोवा से हैं मोहित, नितेश कुमार, शुभम कुमार, सुरेंद्र गिल, इन सबको आपने बहुत अच्छे नाम सुना होगा, नितेश कुमार का, शुभम कुमार का, सुरेंद्र गिल का, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं ये, यूपी योद्धा के अंदर खेलते हैं। जयदीप, मीतू, मोहित, मोहित गोयत, प्रदीप, सौरभ, सुरेंद्र नाडा, ये सारे प्लेयर्स हैं हरियाणा से। तो हरियाणा से हैं कुल 7 प्लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स हैं कुल हरियाणा से, 4 प्लेयर्स गोवा से एंड 3 प्लेयर्स चंडीगढ़, 2 प्लेयर चंडीगढ़ से एंड 1 दुर्गेश कुमार छत्तीसगढ़ से, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 2 चंडीगढ़ से 1 छत्तीसगढ़ से, 4 गोवा से एंड 7 हरियाणा से। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से खाली अकेले विशाल भारद्वाज, केरला से अकेले हैं सागर बीकृष्ण, महाराष्ट्र से है आकाश शिंदे, असलम इनामदार, शंकर गरी, गिरीश इरनक, पंकज मोहिते, शुभम, सिद्धार्थ देसाई। सिद्धार्थ देसाई के यहाँ पर ब्रैकेट देख सकते हैं, टू बी इंक्लूडेड सब्जेक्ट टू बीइंग फिट, तो यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है सिद्धार्थ देसाई शायद अभी फिलहाल में अनफिट चल रहे हैं, तो अगर वो फिट हो जाते हैं कैंप के अंदर दौरान कैंप के टाइम तक तो उनको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं लिया जाएगा कैंप के अंदर। तो महाराष्ट्र से हैं कुल 3 4 5 6 7 प्लेयर्स हैं महाराष्ट्र से भी। ठीक है, ये आपके सामने सारे 7 प्लेयर्स हैं महाराष्ट्र से। बाकी पंजाब से अकेले मनिंदर सिंह जो खेले काफ़ी हैं, बहुत अच्छे हैं प्लेयर्स हैं, आपको पता ही है सबको। रेलवे से हैं नितिन रावल, परवेज, पवन कुमार, रविंद्र पहल, सुनील कुमार, विकास, दीपक हुड्डा, तो ये सारे प्लेयर्स हैं आपके रेलवे से, देख सकते हैं आप रेलवे से हैं टोटल 6 प्लेयर्स। राजस्थान से हैं दीपक हुड्डा और सचिन। ठीक है, बात करें सर्विसेज की तो वहाँ से आते हैं अर्जुन देशवाल, महेंद्र सिंह, मंजीत, नवीन कुमार एंड सुरजीत, ये आपके सामने 5 खिलाड़ी हैं सर्विसेज से। बाकी तमिलनाडु से आते हैं अभिषेक मनोकरन और अभिनेश नादर्जन, तो ये आपके तमिलनाडु से ये 2 खिलाड़ी आते हैं। बाकी बात करें लास्ट में यूपी से, तो यूपी से 2 खिलाड़ी आते हैं अभिषेक एंड रोहित तोमर। तो ये सारे कुछ 40 खिलाड़ी हैं, इनमें से टीम बनेगी आपकी एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, इन सभी कैंप लगेगा पटना बिहार के अंदर। ठीक है, वहीं बात करें वुमेंस की, तो वुमेंस के अंदर की लिस्ट आ रखी है, तो वुमेंस की जो लिस्ट है इनका कैंप लगने वाला है साई सेंटर गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है। इसके अंदर भी टोटल 39 प्लेयर्स हैं, 39 प्लेयर्स लिए गए हैं एंड बाकी इनके, वहीं बात करें कोच की तो वहाँ पर है कोच सुनील डवास जो कि पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है, नीता दवदे जो कि अर्जुन अवार्ड विनर है, अभिलाषा माहित्रे जो कि अर्जुन अवार्ड विनर है। ठीक है, तो ये सारे 3 कोचेज हैं। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो ज्योति हिमाचल प्रदेश से, पुष्पा हिमाचल प्रदेश, 2 खिलाड़ी यहाँ पर हिमाचल से, साक्षी
राजस्थान से अकेले, अंतिम तोगाडिया साक्षी हरियाणा से, साक्षी शर्मा हिमाचल से। देखो इनकी जो लिस्ट है वो थोड़ी ऊपर नीचे, तो इसके अंदर स्टेट्स ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो अकेले नहीं, हिमाचल प्रदेश से काफ़ी खिलाड़ी हैं, तो आप देख सकते हो, लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बात करें मेंस की, तो उसके अंदर आपके कुछ फेवरेट प्लेयर हैं, उनके आपको नाम नहीं देखने को मिलेंगे इस लिस्ट के अंदर। जस्ट लाइक बात करें राहुल चौधरी की, तो उन्होंने नेशनल गेम्स के अंदर काफ़ी अच्छा गेम दिखाया था, जिससे यूपी ने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, एंड काफ़ी अच्छा अपने आपको रिप्रेजेंट करा था वहाँ पर पूरी होल यूपी टीम ने। उसके बावजूद भी यूपी के खाली दो प्लेयर्स हैं इस लिस्ट के अंदर, तो हो सकता है कोचेज ने ये जो लिस्ट है ये सारी सीनियर नेशनल के ऊपर बनी हो, सीनियर नेशनल के बेस के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स आप देख सकते हो गोवा के चार प्लेयर्स हैं जो कि इनमें से नेशनल गेम्स में नहीं खेले थे। तो हो सकता है कि ये जो लिस्ट है वो सीनियर नेशनल के बेस के ऊपर बना गई है, जहाँ पर यूपी का गेम इतना अच्छा नहीं रहा था, एंड यूपी उसके अंदर टॉप एट में तो आ गई थी बट आगे कोई पोजीशन स्कोर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए ये जो लिस्ट है वो सीनियर नेशनल के बेस पर बनी है, जिससे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नितेश कुमार, शुभम कुमार और सुरेंद्र गिल, मोहित, ये जो प्लेयर्स हैं कुछ ये नेशनल गेम्स के अंदर नहीं खेले थे, तो ये हो सकता है सीनियर नेशनल के ऊपर बनी है, हो सकता है कि 100% सीनियर नेशनल के बेस के ऊपर बन रखी है, दैट्स वाई इसके अंदर कुछ प्लेयर्स नहीं है। तो ये सारा गेम देखो सारा ऊपर नहीं चलता रहता है, अभी 40 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो बहुत है इंडिया के अंदर कबड्डी के ऊपर, तो हो सकता है इसमें से ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकले आगे, जो अपने आपको रिप्रेजेंट करे एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप के अंदर, जिसके बाद इंडिया का हम होप सो करते हैं कि इससे वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड आए, आगे एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के अंदर भी गोल्ड आए, तो होप सो करते हैं कि ऐसे ही रहे, आगे अच्छा रिप्रेजेंट करे टीम, एंड काफ़ी अच्छी इनकी कोचिंग रहे, हम सारा यही होप करते हैं। बाकी इससे पहले जो लिस्ट थी ये वाली पुरानी लिस्ट है हमारी, जिसके अंदर 24 प्लेयर्स थे, इनका कैंप भी लगा था एशियन गेम्स के लिए, दिल्ली के अंदर लगा था कैंप, एंड इसमें से भी काफ़ी प्लेयर्स ऊपर नीचे हैं। देखिए यहाँ पर 24 प्लेयर्स थे उस टाइम पर, काफ़ी कम, एंड आज अब 40 प्लेयर्स सेलेक्ट करें, तो इसका मतलब सीरियस है फेडरेशन आगे प्लेयर्स भेजने के लिए, तो हो सकता है आगे की टीम अच्छी बन के जाए, जितना हम चाहेंगे अच्छी बन के ही जाएगी और आगे जाके गोल्ड अचीव करे। तो इतना से वीडियो के अंदर, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हो आप तो भी कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।